पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। कि मैंने कैसे बात संभाली, घर वाले कितना प्यार कर रहे थे मुझे, वो कैसे थैंक यू बोल रहे थे। वो आपको ना सुतली बूम का चेहरा देखना चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोलेगा मंजरी हम दोनों ना हाँ जी शादी कर लेते हैं। राइट, बात तो संभाल ली तुमने। हाँ मैंने बात संभाल ली, तो अब आप भी डील संभालो ने, फई को बच्चा दे दो ने, ताकि मेरे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाए और फिर मैं अलावत फैमिली की जेब ढीली करने में जुट जाऊँ। फाइन, कल शाम 4 बजे बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। और कहाँ आना है मैं तुम्हें टेक्स्ट करती हूँ। ओके, हम इसमें शिपेन वो कौन से अनाथ आश्रम में है और पेपर कौन से लगेंगे आप मुझे बता दीजिए, मैं जेरोक्स निकाल के रखूंगी। हाँ मंजरी, फॉर गॉड सेक शट अप, तुम्हारी ये बकबक सुन के ना मुझे हेडेक हो जाता है यार। कुछ नहीं चाहिए, बच्चा सीधा तुम्हारी फाई की गोद में होगा। मिस मिशिबेन, ऐसे कैसे, मतलब कोई तो पेपर लगेंगे नहीं, कुछ तो लगेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा। मंजरी मैं लेट हो रही हूँ यार, बस इतना सुन लो कि मेरी कोई दूर की बहन है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई, बच्चा अनाथ हो गया और उसके रिश्तेदार सिर्फ मैं हूँ। अब मिस मिशिबेन, लड़का है या लड़की? He's a boy, मंजरी लड़का है वो। तेरा बच्चा जिंदा एकदम हट्टा कट्टा हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। अब तो मन में पूरा यकीन हो गया है कि वो मेरा ही बच्चा है। और कोई क्वेश्चंस है तुम्हारे या मैं जाऊं? हमारी डील डन है ना, एकदम पक्की बात। डन। डील? ये दोनों किस डील के बारे में बात कर रही हैं आपस में? माता रानी, कल मानुसी दीदी मेरा बच्चा मेरी गोद में रख देगी ना, तो फिर मन ने खुशियां बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कर सकती हो इतना, बोल सकती हो सच, कह दो कि तुम धोखेबाज हो, बता दो कि तुम्हारा इश्क बैठी को, बता दो कि तुम इस घर में किस मकसद से आई हो, कह दो। जिस दिन गरबा इवेंट पे मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने चीख के कहा कि तुम वही हो, क्योंकि मीत के सामने मीत खड़ी थी। मैं भी वही था, तुम भी वही थी, मेरा दिल चीख चीख के कह रहा था कि तुम वही हो। मेरा दिल उस दिन भी सच बोल रहा था, तुम्हारी आंखें आज भी झूठ नहीं बोल पा रही। कह दो एक बार कि तुम धोखेबाज हो, बता दो अपना मकसद मेरे इस घर में वापस आने का, आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दो। अगर इस दुनिया में किसी ने सब सच जानने का हक है तो वो तू है मीत, और अब समय आ गया है कि तू सच जान ले। अगर मैंने इसे अभी सब कुछ बता दिया और कहीं यो खुद ने संभाल ना पाए और कुछ गड़बड़ हो गई, तो इतना बड़ा रिस्क ना ले सकती। मानुसी दीदी बहुत साते रहे, बस कुछ घंटों की बात है,
बच्चे निभाने के बाद ही मैं दौड़ू राम में सारी सच्चाई बताऊंगी। क्या हुआ? इतने सीधे सवाल के जवाब के लिए इतना लंबा वक्त, फिर से झूठ बोलने वाली हो? मैं मंजरी छू फ्रॉम वडोदरा। शायद दारू के नशे में ना तो भूल गया है कि इस घर में तू ही मुझे लेकर आया था। तुम्हारे पापा को उनकी बहू की याद आ रही थी इसलिए। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभा कहाँ जा रही हो? बहन होने का फर्ज तुमने अदा कर दिया, लेकिन अब ननंद होने का फर्ज भी तो अदा करो। ये बहू को राखी बांधो भाई। थैंक यू। ओके डैड, अब मैं चलती हूँ, फ्लाइट के लिए देर हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। ओके बाय। अरे दीपा और ईशा आ गए। अरे वाह ईशा, तूने बताया भी नहीं। हाँ कैसी है? बहुत बढ़िया। प्रणाम आंटी। कैसे बेटा? अच्छा हूँ आंटी। आओ आओ ना आओ। कैसी है? बहुत बढ़िया। ईशा हाँ? इधर। ईशा बता कौन सी राखी अच्छी लग रही? ईशा तू वहाँ खुश है ना? मेरा मतलब है बर्फी देवी का व्यवहार ठीक है ना तेरे साथ? उससे ठीक से बात तो करती? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ एकदम ठीक है। इनफैक्ट कल तो दीप की अम्मा ने मेरी गृह प्रवेश की रस्म भी करवाई। ससुराल में जो जो रस्में होती है ना सब की। और आज तो उन्होंने कहा कि आज राखी है तो मैं घर पर आकर आप सबसे मिल लूं और साथ ही साथ पग फेरे की रस्म भी पूरी कर लूं। सचिशा माफ कीजिएगा बहन जी, मेरी मीत बहू के बारे में आप ऐसी उल्टी और बेतुकी बातें हैं, कर कैसे सकती हैं? बहू ना है वो आपकी, आप सच में भोले शंकर हो भाई साहब। जय महादेव कहते हैं ऐसे इंसान को जिसने कभी किसी को धोखा ना दिया, पर ऐसा इंसान ही धोखे का शिकार हो जावे। धोखा? बेहतर ये होगा कि आप सब कुछ साफ साफ कहें। किस धोखे की बात कर रही हैं आप? वैसे तो आपके घर का मामला है और मैं ठहरी बाहर वाली। बोलने का हक तो ना है मन ने, पर कहते हैं ना कि चाय की आधी प्याली आधा ज्ञान और आधी जानकारी खतरनाक हो विषय। इसलिए जब बात छिड़ी गई है तो मैं पूरी कर देती हूं। जिसे आप मीत बहू कह रहे ना, उसका नाम मीतना है, मंजरी है।
आपके घर वालों ने आपके इलाज के लिए एक गरबा नाच करने वाली ऐसी छोरी को पकड़ के ले आए जिसकी सकल मीत से मिलती है। बस और आप ठहरे भोले इंसान, आपने ये मान लिया कि आपकी बहू मीत घर वापस लौट आई, पर सच्चाई यू ना है। सच्चाई यो है ये गरबा क्वीन कितने चर्चे हैं इसके बाजार में, और यो पर्चा बाजार के दीवारों पे चिपका हुआ है। जिंदगी एक सेकंड में बदल जाती है भाई साहब। घर से बाहर निकल के देखो तो सही। क्या बात है, कहीं ये खुशी इस बात की तो ना है किसा का ब्याह अच्छे से निपट गया? हाँ, खुशी की बात तो है ना। और मुझे पता चला ईसा के मुंह से आप भी शादी से बड़ी हैप्पी हैप्पी हैं। मैंने खुशी के लिए किसी बहाने की जरूरत ना है। मारा नाम बर्फी देवी से जरा हटके हूँ। तू ये बता, तूने कहा था ना कि ईसा का ब्याह करवा के तू चली जाएगी। कब जाएगी तू मंजली? मंजरी कहा तो था मैंने। इडियट, ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मंजरी के बिहाफ पे सारे फाइनेंशियल और लीगल डिसीजंस मैं ले सकती हूँ, और ये मंजरी पूरे होशो हवास में मेरे नाम पे कर रही है। हाउ ग्रेट इज दैट बीवी? मतलब अपने मतलब की बात करें तो तुम वो सारे कैश एसेट्स विड्रॉ कर सकती हो जो मीत अलाज शादी के बाद मंजरी को देगा। स्मार्ट बॉय। करेक्ट। आज शाम 4 बजे से बच्चा ही हैंड ओवर नहीं होगा। आज मंजरी अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम पे करने वाली है। जस्ट इमेजिन कुनाल, बच्चा मीट्स का, दौलत मीट्स की, और ऐश करेंगे हम दोनों बेबी। हाय बाय। ईशा को कॉल करता हूँ, शायद घर पहुंच गई होगी। मंजरी की मिस्ड कॉल, इसने फोन क्यों किया? बता दो अपना मकसद इस घर में वापस आने का। आखिरी मौका दे रहा हूं, बता दो। ओ, लगता है सच बताने का मन बना लिया कि ये मंजरी नहीं वही धोखेबाज है, और ये बात फेस टू फेस बता नहीं पा रही है इसलिए कॉल की। आयशा,
ड्रॉप कर दिया दीप को। भाई। ईशा, ईशा भाई, भाई। ईशा क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? भाई मैं ना दीप को ड्रॉप करके वापस लौट रही थी। मैंने देखा कि कार में ना कार में उसका टिफिन छूट गया। मैं वो टिफिन देने के लिए वापस से मैंने ना यूटर्न लिया भाई। रास्ते में ना किसी ने मम्मी को समझ नहीं आ रहा भाई। रास्ते में क्या ईशा? रास्ते में शायद मैंने किसको हिट किया। What? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। ईशा are you sure? देखिए मैम, राजवर्धन जी को तीसरा हार्ट अटैक आया है, उनकी हालत क्रिटिकल है। सो आई हैव टू से तीसरे अटैक के बाद में पेशेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, अभी तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है ना, तो आप पप्पा जी का अच्छे से अच्छा इलाज करो, बस उन्हें चंगा भला कर दो प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं बट ऐसे केस में बस एक ही इलाज है। क्या? हार्ट ट्रांसप्लांट। आपका मतलब राज का हार्ट निकाल के किसी और का हार्ट? जी, अगर हमें 4 घंटे के अंदर, मेरे कहने का मतलब है 3 बजे तक, हमें कोई लाइव हार्ट मिल जाता है तो मिस्टर अहलावत रिस्क से पूरी तरह बाहर होंगे। लेकिन अगर 4 घंटे के बाद हार्ट अरेंज होता है तो अहलावत जी की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कर दीजिए ना हार्ट ट्रांसप्लांट, डोनर मिल जाएगा। नहीं, डोनर है ना हमारे पास। एक्सक्यूज मी, हेलो डॉक्टर, एनी अपडेट अबाउट हार्ट डोनर? थैंक यू डॉक्टर राठी ये अपडेट देने के लिए। अच्छी खबर है, मिस्टर अहलावत जी के लिए हार्ट डोनेट करने के लिए डोनर अभी मिल चुका है। हमने तो लास्ट अटैक के बाद से अहलावत जी को हाई प्रायोरिटी पर रखा था, और तो और उस डोनर का हार्ट का अप्रूवल भी अहलावत जी के लिए मिल चुका है। तो फिर देर किस बात की है? आपको जो करना वो करिए, लेकिन मेरे राज को बचा दीजिए डॉक्टर, राज को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। एक्सक्यूज मी जी, हार्ट तो मिल गया है बट स्टाफ स्ट्राइक पे है। एक्चुअली मैडम, प्रॉब्लम ये है कि वो हार्ट हरियाणा के अंबाला हॉस्पिटल में है, और वहां पर डॉक्टर स्टाफ सभी लोगों की स्ट्राइक चल रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रास्ता निकालने की, पर डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। आप सब यहीं रुकिए। राज की हालत बहुत सीरियस है रागिनी। राज के मामा कंपनी ने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है, सबको उनकी खुशियाँ उनकी उम्मीदें वापस लौटाई है, तो आज जब मेरे राज को मदद की जरूरत है तो कोई मदद क्यों नहीं कर रहा है रागिनी? हेलो ईशा, भाई मेरी कार से कोई हिट हुआ है क्या? भाई वो मैं ना अपने पर्स में से मेरा फोन निकाल रही थी दीप को कॉल लगाने के लिए, और अचानक से मेरी कार के सामने कोई आया या पता नहीं क्या हुआ, मेरी कार से आके टकरा गया, और वो जो टकराने की आवाज थी ना मेरी कार में गूंज रही है। भाई मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ईशा, तुमने अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया था, वो और कोई नहीं बल्कि दीप ही था। मैंने दीप को टक्कर मार दी,
ईशा, यू लिसन टू मी ईशा, ईशा ईशा पैनिक नहीं करना ईशा, ईशा काम काम ईशा। ईशा तुम मुझसे बात कर ईशा, यू टॉक टू मी ईशा। तेरी गाड़ी एक लड़के से टकराई थी और तुम फिक्र मत कर, उसको ज्यादा चोट नहीं आई है ईशा, ही इज फाइन, छोटी 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 मोटी खरोचे हैं, मेरी डॉक्टर साहब से नाप तोलकर 55 मिनट है हमारे पास, किसी भी हालत में 3 बजे तक पप्पा जी तक पहुंचना होगा। पप्पा जी, आपने मन ने अपनी बेटी माना है, अपनी इस बेटी की खातिर आपने अपने हिम्मत ना हारनी है, आपने हिम्मत रखनी होगी जब तक मैं पहुंचना जाऊंगा। एक अच्छी खबर है, वो लोग अंबाला हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, लेकिन सॉरी थोड़ी टेंशन वाली बात यह है कि हमारे पास सिर्फ 55 मिनट्स है। अगर इस टाइम के अंदर वो हार्ट लेके यहां नहीं पहुंचे तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहुंचेगी। मैडम जी, अगर हम इस स्पीड तक चलते रहे ना और भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो हम 3 बजे तक चंडीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। बस पापा जी, अपने हौसला बांधे रखना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। डैड की तबीयत तो स्टेबल है ना, वो और एम्बुलेंस का कुछ पता चला कहाँ तक पहुँची? जी हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बट पेशेंट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एम्बुलेंस इज ऑल्सो ऑन द वे बट टाइम भी बीतता जा रहा है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे राज को कुछ नहीं हो सकता भगवान जी, मेरे राज की रक्षा करिएगा, उनकी जान बचा लीजिए प्लीज। मैं देखूं,
मैडम जी पंचर हो गया। हाँ पापा जी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और यहाँ एम्बुलेंस का टायर पंचर, कैसे पहुँचूंगी मैं हॉस्पिटल टीम पे। जरूरत की थी वहाँ अकेले जाने की, मैंने पहले भी कई बार समझाया ना तन्ने, पर तू है कि मारती नहीं। चाहती है तो सिर्फ तू वही करेगी जो तुझे मैं कहूं। पर अपने बच्चे को देखने के बाद तू इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जो धोखा तूने मन्ने दिया है उसके लिए मैं तन्ने कदम आप ना कर पाऊंगी, इसलिए मैं तन्ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। जो कुछ किया उसी ने सब किया, उसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया, ये सारा बच्चे चुराने का प्लान उसी का था। वो अगले दिन आई और उसने कहा कि आप किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गए और आप मर चुकी है। एक मिनट दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मासूम दी को इस सबके बारे में पता था और सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने आज तक इस चीज पर कुछ नहीं कहा? मासूम इतना गिर गई, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए भी कि मासूम मेरी बेटी है, लेकिन क्यों उसने इतनी शर्मनाक हरकत की? कैसे अपने हाथों से अपने भाई और अपनी भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इतनी दुश्मनी क्यों? क्या वजह हो सकती है? मासूम दीदी ते ज्यादा बड़ी दुश्मन तो मेरी अपनी, मेरी सगी बहन मानूसी दीदी है मेरी। इसका किया सब बर्दाश्त कर लेती, उसकी नफरत सब सहन कर लेती मैं, पर उसने एक माँ थे उसका बच्चा छीना है और मैं इसके लिए ना उसे कदम अपना करने वाली। नफरत करती हूँ मैं उससे, जब जब मैं मानूसी दीदी को देखती हूँ ना मेरा खून खोलने लगता है एकदम उबलते हुए पानी की तरह। फिर भी मैंने मंजरी बन के उसके पास रहने का नाटक किया, उसकी नंबर वन फैन होने का ड्रामा किया, पर यूं खेल खत्म हो जाएगा। मारूसी दीदी ने मेरे से वादा किया है कि वो आज 4 बजे मेरा बच्चा मरने दे देगी। सच? लेकिन दोस्त एक सेकेंड, क्या इन सब के बारे में छोटे को अंदाजा है? ना उसने ना पता है, पर मैं
चला गया अम्मा। दीपा मैं हमें छोड़कर चला गया अम्मा। गाड़ी से दीप का एक्सीडेंट हो गया अम्मा। मैं नहीं ले पाऊंगा दीप की जगह पूरी जिंदगी। अब किसी मन में अम्मा, लेकिन अगर मुंह के बल गिरा दूं तो लोकेशन बड़ी जबरदस्त होगी यार। जस्ट लुक एट द व्यू। अगर बेबी हम इसके टेरेस पे म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे ना तो सिर्फ हिट नहीं सुपर डुपर हिट होगा बेबी, सुपर डुपर हिट। स्टॉप इट कुणाल, ये व्यू छोड़ के ना कबर्ड से जाके पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स लेके आओ। एक बार हमें मंजरी के सिग्नेचर्स मिल गए ना तो इस वडोदरा की गरबा डांसर मंजरी को पूरी जिंदगी अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाती रहूंगी। और अलावत खानदान इतना अमीर है ना तो ये छोटे छोटे फ्लैट क्या, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीद सकती हूँ मैं। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए इस मंजरी से मीटिंग। That's it. But, बीबी, एक बार सोच लो ना, अगर हम आज के आज एडवांस बुकिंग करते हैं तो हमें पूरे 10% डिस्काउंट मिलेंगे। हाँ मेरी बिल्डर से बात भी हो चुकी है, बस एक बार चल के देख लेते ना बीबी। नहीं मेरा मतलब है कि मैं तो बस सजेस्ट कर रहा था। आफ्टर ऑल फाइनल डिसीजन तो तुम्हें ही लेना ना बेबी। ऑफ कोर्स वो मैं अभी कबर्ड से पेपर्स लेके आता हूँ। ये बेवकूफ कुणाल भी कभी कभी जाने अनजाने में सही आइडियाज दे देता है। दीदी मेरे सामने होगी, मैं अपने मीत के साथ होंगी, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां होंगी भाई। जी मैं ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो उम्मीद को सुनाती थी। हाँ, हाँ, हाँ। एक बार ना अरे चाची जी नहीं, इसी नींद आ रही होगी, मैं लोरी सुनाती हूँ। की सोच रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा आज से पहले अलावत परिवार अपना वक्त कैसे बिताता था यार। जिस दिन से जूनियर अलावत इस घर में आया ना, इस घर का हर एक सदस्य एक के बाद एक उसको संभालने में नंबर लगाया जा रहा है, देख रही हो तुम? अरे अरे मुझे मेरे से चुप होगा, सोना बेटा मेरे से चुप होगा। ओ हेलो जूनियर अलावत की मम्मा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो?
हाँ दांत दिखा रही हूँ, मजे ले रही हूँ, वहाँ पूरे परिवार की परेड चल रही है और तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। मैं कोई मजे ना कर रही, इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है बच्चे ने संभालने के लिए, मैं वहाँ गई भी ना तो मन्ने तो डांट कर भगा दिया जाएगा। और तू देखियो जब पापा जी आएंगे ना 2 दिन के बाद, तो इनमें से किसी को मौका ना मिलेगा उसके पास जाने का। मुझे लग रहा है बहुत जोर से भूख लग रही है, अभी तो खाना खिलाया था पापा जी, मुझे लगता है खाने से ना इसके पेट में गैस हो गई, इसके पेट पे हींग का लेप लगा देती हूँ। अरे नहीं चाची जी, इसे प्यास लगी होगी, मैं इसे पानी पिलाती हूँ। अरे एक सेकंड, मैं इसका डायपर चेक करती हूँ। डायपर फुल है, करने दो, परिवार वालों को भी करने दो, डायपर करने दो। मीत, थैंक यू, बस तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां वापस मिल गई हैं। मीत चाल डिग्री पहुंच गए। हे माता रानी, बस जल्दी ते सपना पूरा कर दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।